नमस्कार, मैं डॉक्टर जे आर यादव मूंग की खेती में आपका स्वागत करता हूं। मूंग की प्रजातियां दलहनी फसलों में मूंग का अधिक महत्व है। इसकी खेती लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में की जाती है। मूंग की खेती के लिए प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं, जैसे कि टाइप 44, पंथ मूंग 1, पंथ मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, पीडीएम 54, पीडीएम 11, मालवी ज्योति सम्राट, मालवी जागृति तथा आशा आदि प्रजातियां हैं। खेत की तैयारी। मूंग की खेती के लिए खरीफ में समुचित जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके आखिरी जुताई में 200 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद मिलाकर खेत में पाटा लगाकर समतल बना लेना चाहिए। बीज की मात्रा एवं बुआई। मूंग की बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। मूंग की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है। मूंग की बुआई कूड में हल्के पीछे करनी चाहिए। मूंग की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम करवंडाजिम से उपचारित करने के बाद बीज को राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। मूंग की फसल में 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टर की दर से तत्व के रूप में बुआई के समय देना चाहिए। मूंग फसल में फली बनते समय 2% यूरिया के घोल का छिड़काव से अच्छी उपज प्राप्त होती है। सिंचाई। मूंग की फसल में सिंचाई भूमि की किस्म के अनुसार करनी चाहिए। खरीफ की फसल में कम वर्षा होने पर फलियां बनते समय 1 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण। मूंग की फसल में बुआई के लगभग 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडामिथिलीन 30 ईसी की 3.3 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 या 3 दिन के अंदर खरपतवारों के जमाव से पूर्व प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे खरपतवारों का जमाव ही ना हो सके। रोग नियंत्रण। मूंग में प्रायः पीला चित्र वर्ण रोग लगता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मोज़ेक अवरोधी प्रजातियों की बुआई करें तथा रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी की 1 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीट नियंत्रण। मूंग की फसल में थ्रिप्स, हरे फुदके एवं कमला कीट लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास 25 ईसी रसायन की 1.25 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं उपज। जब फसल में फलियां पककर अच्छी तरह सूख जाएं, तब कटाई करनी चाहिए।
कटाई करने के बाद फसल को सुखाकर मड़ाई करके दाना निकाल लेना चाहिए। खरीफ की फसल में मूंग की उपज 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। धन्यवाद।